गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, देयर कंपैरिजन एंड बॉयलर माउंटिंग एंड एक्सेसरीज। दीज आर द टॉपिक्स टुडे आई विल डिस्कस on these topics. Fire tube boiler. Yesterday we have discussed about the fire tube boiler and water tube boiler. Fire tube boiler, in which the tube containing the gases, it is called a fire tube boiler, and surroundings of the tubes the water is circulating, and there will be a exchange of heating take place between of the hot water water and the gases. Okay, this is a simple fire tube boiler, Cochran boiler, in which a vertical tubular type of boiler, in which a number of parts are given here. Okay, the chimney is given here, and the firebox is given here, and the combustion chamber is given here, safety stop valve is given here, pressure gauge is here given, water level indicator given here, fusible plug is given here. So there is a function कि यहाँ पे जैसे ही combustion होगा, combustion होने के तुरंत बाद ये सारी चीजें boiler के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसको गर्म करके steam बनाने का काम करेगा, और जिसकी वजह से steam बन के दूसरे direction से इसको निकाल दिया जाएगा. तो ये आपका कोकरान बॉयलर है, सिंपल एसपीटेक बना दी गई है ताकि आफ्टर द कम्बशन एस को निकाल के एक जगह रखा जा सके. एंड कम्बशन चैम्बर इज हियर एज अ रेड पार्ट कम्बशन चैम्बर. दिस इज सिंपल टाइप ऑफ द कोकरान वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर, इन विच द नेचुरल सर्कुलेशन इज ऑकर. द प्रेशर गेज इज इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ द फायर ट्यूब बॉयलर फॉर मेजरिंग ऑफ द प्रेशर इन द बॉयलर. किस प्रेशर पे स्टीम जनरेट हो रही है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गेज यहाँ पे लगाया गया है. सेफ्टी वॉल्व बॉयलर में नॉर्मल कंडीशन को रोकने के लिए सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है. स्टीम स्टॉप वॉल्व को लगाने के पीछे जो लॉजिक है कि जब स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइम पे हम स्टीम स्टॉप वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं. दिस इज लिटरेचर अबाउट ऑफ द कोकरान बॉयलर. इट इज ऑफ द सिंपल वर्टिकल मल्टी ट्यूब स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड इज द कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर द मिनिमम फ्लोर एरिया. इट इज अ सिंपल कॉम्पैक्ट एंड द रिक्वायर द मिनिमम फ्लोर एरिया. ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं पड़ती इसको कोकरान बॉयलर को. इवेपोरेटिव कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 150 टू 3000 केजी पर आवर एंड वर्किंग प्रेशर अप टू द 20 बार. ये इसकी प्रेशर रेंज रहती है आपकी, यहाँ पे वर्किंग प्रेशर रेंज है. और जो स्टीम प्रोड्यूस होती है ये 150 से 3000 केजी पर आवर प्रोड्यूस होती है. ओके, दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द कोकरान बॉयलर. द लंकाशायर बॉयलर, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर होता है. तो फायर ट्यूब बॉयलर में आपको पता ही है कि जो गैसेस हैं वो सराउंडिंग्स में ना फ्लो होगे, ट्यूब के अंदर फ्लो होती हैं. इट इज आल्सो मल्टी ट्यूबलर इंटरनली फायर्ड लंकाशायर बॉयलर. दिस इज द मेन क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द लंकाशायर बॉयलर. इट इज द फ्रंट व्यू, इट इज द साइड व्यू. इन अ साइड व्यू ट्यूबलर पार्ट इज अरेंजमेंट इज गिवन हियर. एंड अनदर थिंग्स इज द टू सेपरेट फ्लू सिस्टम्स आर गिवन हियर हियर. And gateway of tubes arrangement is given here. Deadweight safety valve, because of the safety valve are the different types here. The safety valve is the
dead weight of the safety valve. This is the arrangement of the Lancashire boiler in which a steam is producing. This is the internally fire furnace. Lancashire boiler literature, here it is given here. Internally fired, first is the internally fired, oriental nature, oriental टाइप का रहता है. ये आपका रखा हुआ जो बॉयलर आप देख रहे हैं लंगस एयर बॉयलर है, ओरिएंटल है. नेचुरल ड्रॉट एंड नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर, तो ये भी इस तरह का एक बॉयलर है. डायमीटर ऑफ ट्यूब्स इज द 0.4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सेल. Each fluid tubes has its own furnace with grate of about 2 meter length. Dampers are placed in the path of the flue gases to regulate gas flow and air flow. Openings are made in the boiler for the inspections. कई जगह openings बनी रहती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये openings बनी हुई हैं ताकि boiler के अंदर क्या चीज चल रही है, किस तरीके से working हो रही है, उसकी working को समझने के लिए यहाँ पे हम ओपनिंग्स बना देते हैं. डैम्पर्स प्लेस इन द पाथ ऑफ फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस के पाथ में डैम्पर्स लगा दिए थे ताकि रेगुलेट किया जाए गैस फ्लो और एयर फ्लो को. ईच फ्लू ट्यूब्स हैज इट्स ओन फर्नेस विथ अ ग्रेट ऑफ अबाउट 2 मीटर लेंथ. जितनी भी ट्यूब्स लगी हैं 2 मीटर लेंथ की रहती हैं. दिस इज द कैपेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द लंकाशायर बॉयलर. Made to withstand working pressure up to the 20 bar. 20 bar pressure के लिए लंकाशायर बॉयलर काफी suitable बना जाता है. Evaporative capacity जो इसकी रहती है 8000 kg per hour रहती है. Cell size जो है इसकी ranges from the 2 meter diameter, 6 meter length to 3 meter diameter into 10 meter length की रहती है. Okay. Bottom of the cell is heated first and then its sides. Bottoms of the cell जो रहती है उसको गर्म कर दिया जाता है और साथ ही साथ में इसकी साइड्स जो रहती हैं वो लेस वार्म रहती हैं. वाइल्डली यूज इन अ सुगर मिल, जो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है वो सुगर मिल में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल प्लांट में और पावर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं. इट्स मेंटेनेंस इज क्वाइट इजी, इसका जो मेंटेनेंस होता है बहुत ही सस्ता होता है. लोड फ्लक्चुएशन कैन बी मेट इजली, जितनी भी लोड फ्लक्चुएशन कंडीशन आती है उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है. This is the arrangement of the locomotive boiler in which a safety valve is installed here. This is the whistle portion where the steam is producing at a high rate. Smoke fire box, super heater coil, exhaust steam pipe, cell, fire tubes, aspirate, एयर को पैसेज प्रोवाइड किया था ताकि कम्बशन प्रॉपर तरीके से हो सके. वाटर गेज इंडिकेटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर एंड द ओरिएंटल टाइप ऑफ बॉयलर. दिस इज इंटरनली फायर्ड ओरिएंटल मल्टी ट्यूबुलर लिटरेचर इज नेचुरल सर्कुलेशन आर्टिफिशियल ड्रॉट. फायर ट्यूब टाइप ऑफ पोर्टेबल बॉयलर है, ये आपका पोर्टेबल बॉयलर भी रहता है और इसको हम मूव नहीं करा सकते हैं. एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट टाइप का बॉयलर है. व्हाट आर द डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, ई रेट इज गिवन. लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द बैरल 5 मीटर एंड 2 मीटर साइज. नंबर ऑफ सुपर हीटेड ट्यूब्स इज 14 सेंटीमीटर एंड 38. साइज एंड नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स दैट इज 5.2 सेंटीमीटर एंड 116. वर्किंग प्रेशर एंड कैपेसिटी, दिस इज द 14 बार एंड 9000 केजी पर आवर. हीटिंग सरफेस इन द ग्रेट एरिया दैट इज द 271 मीटर स्क्वायर एंड द 4.2 मीटर. ओके, दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकोमोटिव बॉयलर इज दैट इज शुड प्रोड्यूस स्टीम एट वेरी हाई रेट. हाई रेट में स्टीम प्रोड्यूस होती है.
Therefore, this boiler require a large amount of the heating surface and large grate area to burn the coal at a rapid rate. The locomotive boiler is so designed that is capable of the meeting sudden and fluctuating demands of the steam which may be imposed due to the variation in the power and speed. ये लोकोमोटिव बॉयलर जो है वेरिएशन ऑफ लोड एंड स्टीम सप्लाई के रेट के हिसाब से डिज़ाइन किया था ताकि कभी अचानक से यदि स्टीम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लोड बढ़ जाता है बॉयलर पे, तो वो रिक्वायरमेंट को पूरे कर सके. इसका जो मेनली यूज होता है लोकोमोटिव बॉयलर का, रेलवेज में होता है, रोड रोलर्स में होता है, एंड ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड, सॉ मिल्स, प्लांट्स एंड द स्टेशनरी पावर सर्विस वी आर द सेमी प्रोबेबिलिटी इज डिजायर. जहां की सेमी प्रोबेबिलिटी इज डिजायर रहती, वहां पे इस टाइप के बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है. क्या एडवांटेज होते हैं लोकोमोटिव बॉयलर के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इट इज गिवन हियर लिटरेचर फॉर्म. फर्स्ट इज द एडवांटेज, गोइंग इन टू द एडवांटेज फॉर्म, लार्ज रेट ऑफ द एवापरेशन, दैट इज द 55 टू 70 केजी पर सेकेंड. ज्यादा अमाउंट में जो एवापरेशन है उससे मिल सकता है 55 से 70 केजी पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑफ हीटिंग सर्फेस. सेकेंड इज द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिक वर्क, चिमनी एंड स्पेशल फाउंडेशन विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन को यदि रिड्यूस करना है तो उसके लिए यहां पे इट इज अ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिक वर्क, चिमनी एंड अदर फाउंडेशन विच इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. रीजनेबल लो कॉस्ट एंड द कॉम्पैक्टनेस मेक इट आइडियल फॉर द पोर्टेबल यूनिट. तो ये लो कॉस्ट में भी अवेलेबल रहता है एंड द कॉम्पैक्टनेस इसकी काफी अच्छी रहती है. इट इज आइडियल फॉर द पोर्टेबल यूनिट. डिसएडवांटेज, दैट इज द इनकेपेबल ऑफ द मीटिंग द वेरी हाई ओवरलोड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ बींग डीमेज ड्यू टू द ओवरहीट. ओवरहीट की वजह से डैमेज होने की प्रॉब्लम बनी रहती है उसको, उसके लिए ये एक ड्रॉबैक बन जाता है लोकोमोटिव बॉयलर. मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इज लिमिटेड टू 20 बार. जो प्रेशर लिमिट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 20 बार ही रहती है. एक्यूमुलेशन ऑफ द मड पार्टिकल इन वाटर कॉजेज द स्केल फॉर्मेशन. मड पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होने के कारण जो स्केल फॉर्मेशन है उसके चांसेस भी बने रहते हैं. वाटर ट्यूब बॉयलर, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर एक ऐसा बॉयलर कि जहां पे ट्यूब के अंदर यदि वाटर रहता है, सराउंडिंग्स में यदि गैसेस फ्लो होती हैं, उस बॉयलर को हम वाटर ट्यूब बॉयलर्स बोलते हैं. जितने भी आपके एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होते हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं. इंटरनली फायर बॉयलर अभी तक आपने देखा कि फायर ट्यूब बॉयलर ही निकलते थे, बट वाटर ट्यूब बॉयलर के केस में ज्यादातर आप ये देखेंगे कि ये एक्सटर्नली फायर्ड रहते हैं और इट मे बी ऑफ जनरली ऑफ वर्टिकल नेचर एंड द मल्टी ट्यूब लेयर. This is the Babcock and Wilcox boiler. It is the famous type of boiler. It is the water tube oriental multi-tubular boiler. एक water tube boiler है, oriental nature का है और multi-tubular boiler है. इस boiler की खास बात यह है, जो आप upper tank header और down tank header देख रहे हैं, यहाँ पे thermosymbol system के through steam जो है flow होती है, water flow होता है और steam जो है after the जनरेटिंग इन दिस ड्रम स्टीम इज पास टू द सुपर हीटेड ट्यूब्स. ये सुपर हीटेड ट्यूब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पास होती है. देयर आर द टू हेडर्स आर इंस्टॉलिंग हियर, द अपटेक हेडर एंड द डाउन टेक हेडर. ड्यू टू द ग्रेविटी एक्शन द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम साइड्स. प्रेशर गेज इज इंस्टॉल हियर टॉप एंड साइड्स वी आर द स्टीम प्रेशर इज मेजरिंग इन द बॉयलर. वाटर लेवल इंडिकेटर चेक द लेवल ऑफ द वाटर. फीड वाटर इनलेट इट इज द वाटर इज सप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड्स. स्टीम एंड वाटर ड्रम, दिस इज सेफ्टी वॉल्व, इट इज हियर स्टॉल. स्टॉप वॉल्व, स्टीम की सप्लाई को यदि रोकना तो स्टॉप वॉल्व लगा दिया गया. मेन होल इट इज लाइंग हियर वेयर द मैन इज इंटर इन द बॉयलर फॉर क्लीनिंग ऑफ द बॉयलर. ब्लो ऑफ पाइप इट इज रिड्यूसिंग द सेंडिमेंट्स एंड मड्स and discharging of the muds also. This is a furnace chamber where the combustion of the fuel taking place. ASP is installing the below of the furnace combustion chamber where the ash is collected by bottom sides. Dampers are provided for the circulation of the air also.
This is the literature of Babcock and Wilcox boiler. It consists of the welded steel high pressure drum mounted at the top. जो है यहाँ पे आपका वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर में वेल्डेड रहता है, इसका जो ड्रम साइज रहता है, ड्रम में इज कनेक्टेड विद द अपटेक हेडर एंड डाउन टेक हेडर, जैसा कि आपने हमने आपको बताया. वाटर ट्यूब कनेक्टेड टू द हेडर्स आर इंक्लाइंड एट ए 15 डिग्री, 15 डिग्री से अपटेक और डाउन टेक हेडर इंक्लाइंड रहता है. मड बॉक्स, इट इज कलेक्टेड टू द सेंडिमेंट्स इन द वाटर. सुपर हीटर ट्यूब्स टू एनहेंस द सुपर हीटेड स्टीम. वेंट्स प्रोवाइडेड, इट इज फॉर द सेफ्टी वॉल. प्रेशर गेज, water level indicator, fusible plugs and the feed check valve, these are the vents provided. Evaporative capacity ranging from the 20,000 to 40,000 kg per hour. Operating pressure range from the 11.5 to 17.5 bar. Steam formed from such boiler are primarily used to run the steam turbines and generate the electric power. This is here the differences, water tube and the fire tube boiler. In a water tube boiler, water passes through the water tubes and the fire tube hot gases passes through the tubes. Steam capacity is the low. Water tube boiler के अंदर steam के producing capacity low होती है, यहाँ पे high है. Complexity is design. Water tube boiler का जो design है रहता है वो complex रहता है, इसकी design बहुत simple रहती है fire tube की. Higher operating pressure, ज्यादा operating pressure पे work कर सकता है water tube boiler, जबकि fire tube boiler low operating pressure पे work करता है. वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए ऑपरेशन रेट जो है 20,000 से 50,000 रहता है, जबकि इसकी जो रेंज रहती है काफी कम रहती है, 9,900 केजी पर आवर रहती है. इंक्रीज हीटिंग सरफेस एरिया, इसका जो हीटिंग सरफेस एरिया है वाटर ट्यूब बॉयलर का ज्यादा रहता है, इसका लो हीटिंग सरफेस एरिया है. लो वाटर टू स्टीम रेशियो इधर पे काम करता है वाटर ट्यूब बॉयलर में, और लार्ज वाटर टू स्टीम रेशियो इधर पे काम करता है. ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ स्केल सेल. इसका जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, इंस्टॉलेशन जो होता है टिपिकल रहता है, जबकि इसका आसान रहता है, इजी वे में रहता है. एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर फर्नेस साइज कैन बी वेरिड. यहाँ पे ज्यादातर आपको मैंने जैसे बताया कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो रहते हैं एक्सटर्नली फायर्ड रहते हैं, और दिस इज ज्यादा इंटरनली फायर्ड. रिक्वायरिंग द मोर फ्लोर एरिया इन द वाटर ट्यूब बॉयलर इन द रिक्वायर इज द फायर ट्यूब बॉयलर में रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया. What are the main requirements of the a good boiler? एक अच्छे बॉयलर के अंदर क्या कैपेसिटी या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए. कोई भी आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह मार्केट में भी खरीदने आते हैं तो एक माइंड मेकअप करके आते हैं. सपोज दैट इफ यू वॉन्ट टू परचेजिंग एसी एयर कंडीशनिंग, तो आपके दिमाग में आएगा कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, बिजली खपत कम से कम होनी चाहिए, और फ्लोर एरिया जो है कम से कम ऑक्यूपाइड करना चाहिए. दीज आर द मेन थिंग, कॉस्ट कम होनी चाहिए. इसी तरीके से बॉयलर जब आप परचेज करने जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ बातें होती हैं, उन बातों को यहां पे हम देख सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट इज द हीट जनरेशन कैपेसिटी शुड बी एट रिक्वायर प्रेशर, फर्स्ट इज. सेकेंड इज द रिक्वायर क्वालिटी, सेकेंड. थर्ड इज द फास्ट स्पीड, फोर्थ इज द मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन. दिस इज द मेन थिंग्स रिक्वायरमेंट फॉर द गुड बॉयलर. इकोनॉमिक, दैट इज द फर्स्ट इज द लो इनिशियल कॉस्ट, लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट. ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं. जो कॉस्ट वाली हम बात कर रहे थे कि एसी यदि परचेस करेंगे तो उसके लिए कॉस्ट पैरामीटर रहता है, तो वैसे ही हर चीज के लिए है. आप एसी परचेस करें, बॉयलर परचेस करें, कॉस्ट इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर. तो कॉस्ट इज डिजर्विंग ऑन द फॉलोइंग थिंग्स. इनिशियल कॉस्ट, तो उसकी परचेजिंग जो कॉस्ट होती है वो कितनी है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है और मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है. जितनी भी यदि आ रही है सारी कॉस्ट मिलकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो मिलकर बनाती है बॉयलर के लिए, ये सारी कम से कम होनी चाहिए. थर्ड क्राइटेरिया इज अ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के बेस पे यदि हम बात करेंगे तो लाइट इन वेट होना चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ द ब्रिक वर्क होना चाहिए. थर्ड इज द ऑक्यूपाइड अ स्मॉल फ्लोर एरिया, दिस इज द मेन थिंग्स रिक्वायरमेंट फॉर द गुड बॉयलर. फोर्थ इज द क्विक स्टार्टिंग, कैपेबल टू द मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ द स्टीम सप्लाई, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स. ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके एक अच्छे बॉयलर के अंदर होनी चाहिए.
नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉयलर माउंटिंग एंड एक्सेसरीज. यू नो वेरी वेल व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द माउंटिंग एंड एक्सेसरीज. स्टडी वी हैव डिस्कस अबाउट द माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज ऑफ एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. माउंटिंग्स आर यूजिंग इन द बॉयलर फॉर द सेफ ऑपरेशन एंड द एक्सेसरीज यूजिंग इन द बॉयलर फॉर इंक्रीजिंग द एफिशेंसी. तो माउंटिंग बॉयलर के अंदर सुचारू रूप से काम चलता रहे उसके लिए माउंटिंग्स को हम लगाते हैं. उसके लिए प्रेशर गॉज, वाटर लेवल इंडिकेटर, स्टीम स्टॉप वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, आपका मेन होल एंड ब्लो ऑफ कॉक, विजुअल प्लग, ये आपकी माउंटिंग एक्सेसरी से लगाई जाती हैं. एसेसरीज के रूप में भी आप देखेंगे तो यदि इफिशेंसीज को बढ़ाना तो एसेसरीज के रूप में वहां पे सुपर हीटर रहता है, एयर प्री हीटर रहता है, फीड पंप है और इकोनोमाइजर, इस टाइप की डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं एसेसरीज के रूप में. तो फर्स्ट इज द वाटर लेवल इंडिकेटर. वाटर लेवल जैसा कि आप कूलर वगैरह घरों में इस्तेमाल करते हैं तो या गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक फ्यूल मीटर की जरूरत पड़ती है, तो वैसे यहाँ पे बॉयलर के केस में वाटर लेवल इंडिकेटर है. तो चेक द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉयलर, दैट इज कॉल्ड अ वाटर लेवल इंडिकेटर. तो यहाँ पे जो वाटर है वो कितना है ट्यूब्स के अंदर पे उसको चेक करने का एक तरीका है, उसका अरेंजमेंट यहाँ पे बताया गया है, दैट इज अ वाटर लेवल इंडिकेटर. ओके, तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, वाटर टैंक वगैरह बने हुए हैं और ये आपके अपर साइड और लोअर साइड पे है, स्टीम कहाँ पे सप्लाई होगी, वाटर कहाँ पे सप्लाई होगा, इस टाइप का अरेंजमेंट बॉयलर के अंदर बताया गया है. प्रेशर गॉज, दैट इज द मेन थिंग ऑफ द बॉयलर, किस प्रेशर पे स्टीम बन रही है, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी. अकॉर्डिंग टू द प्रेशर कंडीशन हम सारी चीजों को देख सकते हैं. फर्स्ट इज द इलास्टिक मेटेलिक, ये जो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम, इसके बेस पे यहां पर डिजाइन किया गया है, इसकी लिटरेचर लिखी हुई है. इलास्टिक मेटेलिक विथ इलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन स्प्रिंग ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोडॉन ट्यूब. प्रोडॉन ट्यूब टाइप का प्रेशर गेज जो है इस्तेमाल किया जाता है. प्लग इज प्रोवाइडेड फॉर द क्लीनिंग द साइफन ट्यूब, जो प्लग है उसको प्रोवाइड किया जाता है क्लीनिंग साइफन ट्यूब करने के लिए. एंड इट इज यूज टू द मेजर द गेज प्रेशर ऑफ द स्टीम. जो इसका इस्तेमाल है प्रेशर गेज का वो गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है इन साइड द बॉयलर सेल. सेफ्टी वॉल्व, देयर आर द अनदर टाइप ऑफ द सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व. वैसे तो सेफ्टी वॉल्व तीन चार तरीके के होते हैं, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व है, लीवर सेफ्टी वॉल्व है एंड अदर टाइप ऑफ सेफ्टी वॉल्व आर ऑल्सो यूज इन द बॉयलर, बट हियर द लीवर सेफ्टी वॉल्व इज डिस्क्राइबिंग हियर, दैट इज अ डेड वेट एंड द लीवर ब्रिजेस एंड द फ्रिक्शन, दैट इज अनदर थिंग्स ऑफ द सेफ्टी वॉल्व. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेफ्टी वॉल्व. स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व, दिस इज हियर गिवन इन द स्प्रिंग इज फॉर्म्ड हियर व्हेन द प्रेशर ऑफ द स्टीम इज द बॉयलर इज इंक्रीजेस, द स्प्रिंग विल एनहेंस फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व. अनदर टाइप ऑफ द सेफ्टी वॉल्व, दैट इज द जंक्शन वॉल्व. द वॉल्व प्लेस डायरेक्टली ऑन ए बॉयलर इन ऑर्डर टू रेगुलेट द स्टीम सप्लाई फ्रॉम बॉयलर टू द स्टीम पाइप, दैट इज कॉल्ड अ जंक्शन वॉल्व. जहां से स्टीम की सप्लाई हो रही है वहां पे आगे तक पहुंचाने के लिए एक जंक्शन वॉल्व लगाया जाता है. स्टॉप वॉल्व, द वॉल्व यूज टू रेगुलेट द स्टीम सप्लाई फ्रॉम द स्टीम पाइप टू द प्राइम मूवर, एक ऐसा वॉल्व यूज किया था जो कि स्टीम की सप्लाई को रेगुलेट करने काम करता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉप वॉल्व. दिस इज द डायमेट्रिकली अरेंजमेंट ऑफ द जंक्शन वॉल्व जो आप देख रहे हैं. फीड चेक वॉल्व, इट इज यूजिंग इन द बॉयलर फॉर रेगुलेटिंग ऑफ द वाटर
continuously for reducing or the removing the abnormal condition in the boiler. That is the feed check valve. Second is it is prevent the backflow of water from the boiler. यदि पानी का बैक फ्लो हो रहा है तो बॉयलर से उसको रिड्यूस करने काम करता है फीड चेक वॉल्व. एंड द वर्किंग इज नॉट वर्किंग इन द केस ऑफ फेलवर. ओके, अनदर माउंटिंग इज द ब्लो ऑफ कॉक. ब्लो ऑफ कॉक इट इज यूजिंग इन द बॉयलर फॉर द रनिंग ऑफ बॉयलर इन अ सेफ ऑपरेशन. Fusible plug. If the boiler is overheating, the plug is melted form. Gun metal का fusible plug बनाया जाता है जो कि abnormal condition boiler होने पर melt हो जाता है और boiler की working को stop कर देता है. Manhole provide किया जाता है ताकि कोई भी worker इसमें काम कर सकता है उतर के. और क्लीनिंग बॉयलर की, यदि क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है, तो उसके लिए मैन होल प्रोवाइड किया जाता है ताकि बॉयलर की सफाई करके हम काम कर सकें. स्टीम ट्रैप इट इज यूज टू कलेक्ट एंड ऑटोमेटिकली ड्रेन अवे द वाटर रिजल्टेड फ्रॉम द पार्शियल कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम विदाउट स्टीम टू एस्केप. With this condensate through a valve, the valve after draining the condensate is closed. Draining करने के बाद ये automatically जो valve है close जाता है, the condensate is closed. Anti-priming pipe का इस्तेमाल कहाँ होता है? It is attached below the stop valve to avoid the water particles being carried away along with the steam. यहाँ पे stop valve जो लगाया गया है, इट इज अटैच बिलो द स्टॉप वॉल्व. एंटी प्राइमिंग पाइप का इस्तेमाल जो होता है वो स्टॉप वॉल्व के नीचे रहता है टू अवॉइड द वाटर पार्टिकल्स बींग कैरिड अवे द एलोंग विद द स्टीम, जो कि स्टीम के साथ में चले जाते हैं इसको करने काम करते हैं. इट हैज ए क्लोज पाइप विद अ क्लोज एंड्स ऑफ 1 मीटर एंड 2 मीटर लेंथ. 1 मीटर या ज्यादा 2 मीटर लेंथ के हो सकते हैं. द टॉप साइड ऑफ द पाइप हैज अ परफोरेशन, जहां पे कि हमें सेपरेशन रिक्वायरमेंट रहते हैं वो बनाया जाता है. When the steam passes through it, due to the inertia effect, the moisture of the steam falls into the pipe and the steam with reduced moisture pass into the stop valve. जो less moisture की steam रहती है उसको हम stop valve पे pass कर देते हैं और बाकी आपकी top sides of priming pipe से निकल दी जाती है. Priming करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि moisture particle आ जाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है. Then come to the next part, that is the boiler accessories. The device used to improve the performance and operation of the boiler, that is called a बॉयलर एसेसरीज. तो बॉयलर एसेसरीज कई तरीके की इस्तेमाल की जाती हैं बॉयलर में. दैट इज इकोनोमाइजर फॉर्म, सुपर हीटेड फॉर्म एंड फीट पंप, एयर प्री हीटर. दीज आर द बॉयलर एसेसरीज यूजिंग द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. दिस इज अ सुपर हीटर. द मेन फंक्शन ऑफ द सुपर हीटर इज हीटिंग ऑफ द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, जो कि स्टीम को ड्राई सेचुरेटेड करने काम करता है सुपर हीटर. तो सुपर हीटेड कॉयल में जाके स्टीम जो है ड्राई सेचुरेटेड स्टीम सुपर हीट हो जाती है. इकोनोमाइजर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द इकोनोमाइजर इन विच द स्टीम विल बी यूज इन इकोनोमाइज फॉर्म in the steam engine. Or the heating of fuel or combustion of fuel is done through the circulating air which is flowing into the surroundings of the boilers, and due to the circulation of air that requiring the less fuel in the boiler. If the quantity of fuel is requiring less, then it will economize the fuel, and this is done in an economizer device. This is the economizer device. Air preheater.
4 supplying in the boiler for combustion of fuel. Air will be preheated. In the passage of flue gases which otherwise escape through the chimney, जो कि चिमनी से ऑटोमेटिकली बाहर चली आती हैं, उसको उस हीट का इस्तेमाल करने के लिए एयर प्रीहीटर का इस्तेमाल किया जाता है. और एयर प्रीहीटर से एडवांटेज ये होता है कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट हमें कम से कम होती है. दैट इज द हॉट फ्लो गैसेस विच इज पासिंग थ्रू दिस साइड्स एंड हॉट एयर टू द फर्नेस दिस इज फ्लोइंग इन दिस साइड्स. रेफल्स आर प्रोवाइडिंग द डायरेक्शंस, कोल्ड एयर प्रोवाइडिंग दिस साइड्स एंड द फ्लू गैसेज टू द चिमनी इज प्रोवाइडिंग दिस साइड्स. तो चिमनी के लिए जो फ्लू गैसेस रहती है वो इस साइड से प्रोवाइड की जाती है, हॉट फ्लू गैसेस ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं और हॉट एयर जो फर्नेस हो यहां से प्रोवाइड की जाती है. थैंक यू. टुडे डिस्कस अबाउट द फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर कंपैरिजंस एंड माउंटेन एसेसरीज. टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट द high pressure boiler and why are used the high pressure boiler, how many types of the high pressure boiler, what is the meaning of the boiler efficiency and equivalent evaporation. This thing will be discussed tomorrow. And if any doubt in the today classes, please comments in the comments box or informed by the WhatsApp number. Okay, thank you.